नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। पूरे विश्व में 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन की स्थापना के प्रेरणादाता हेनरी ड्यूटेंट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 2024 की थीम है मैं खुशी के साथ देता हूँ और जो खुशी मैं देता हूँ वो एक पुरस्कार है। इसकी जानकारी देते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम के मानद सचिव विजय कुमार सिंह ने बताया कि गर्मी में रक्त की कमी हो जाती है, इसलिए आज से लेकर 30 जून तक हमारा लक्ष्य है हम कम से कम 2000 यूनिट रक्त का संग्रह करेंगे। उन्होंने बताया कि रेड क्रॉस द्वारा कई तरह के मानवता को समर्पित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जमशेदपुर शहर रक्तदान के लिए एक आदर्श शहर भी कहा जाता है। अभी तक रेड क्रॉस द्वारा लगभग 1000 से ज्यादा रक्तदान शिविर आयोजन कर 2 लाख से ज्यादा यूनिट रक्त संग्रह कर जमशेदपुर ब्लड बैंक को दिया गया है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं जमशेदपुर रेड क्रॉस के संरक्षण सदस्य पूर्वी घोष का कहना है कि दुनिया कितनी तरक्की कर गई, लेकिन अभी भी रक्त का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए रक्तदान अवश्य करें। वहीं समाज सेवी सुभाष मित्तल का कहना है कि आज तक 66 बार रक्तदान कर चुके हैं। रक्तदान करने से किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम में रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने बताया कि साल में कम से कम 3 बार रक्तदान करें तो आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। इस अवसर पर रेड क्रॉस के संरक्षण सदस्य डीके घोष ने बताया कि वो अपने 65 साल की उम्र में 95 बार रक्तदान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम मरणोपरांत किडनी और आंख का भी दान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रक्त और ऑक्सीजन की कमी होगी। श्री घोष ने बताया आज भी हमारे देश में रक्तदाताओं की बहुत कमी है। वैसे रक्तदान करने में जमशेदपुर भारत का नंबर 1 है। इस अवसर पर जिले के उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने भी आकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। अपना कीमती वोट जरूर डालें, वोट दान में महादान है क्योंकि फर्क पड़ता है हमारे आपके सबके वोट जरूर डालना है। अपने अपने निवर्तन बूथों पर धन्यवाद। आज वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस है तो ये वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस में सिर्फ भारत में ही नहीं पूरा विश्व में इसको मनाया जाता है। और रेड क्रॉस खास करके ब्लड डोनेशन कैंप के लिए जाना जाता है। ये छोड़ के भी कोई भी आपदा अगर आती है रेड क्रॉस हमेशा उसके साथ रहता है। आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो बहुत ही खास है क्योंकि इतने बड़े पैमाने में 8 मई को हर साल होता है। इस साल हमारे मुख्य अतिथि थे श्री उज्जवल चक्रवर्ती MD और जितने रक्तदाताओं ने आए हैं सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ क्योंकि उनके बिना ये आयोजन सफल नहीं होता। और रक्त एक ऐसा चीज़ है जिसको कृत्रिम से बनाई नहीं जाती और जितना भी विज्ञान तरक्की करे लेकिन आज तक ये आविष्कार नहीं हुआ कि ब्लड कृत्रिम से दिया जाता है। और एक बहुत बड़ा खासियत कि जिसको ब्लड का ज़रूरत होता वो कभी पूछता नहीं है किसका ब्लड है, किस धर्म का लोग का है। तो ये एक सबको एकजुटता का बहुत बड़ा एक मिसाल है जिसमें जाति धर्म ऊंच नीच सब भुला के एक साथ होके इस रक्तदान में शामिल होते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मंजिल मिले ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जख्मों से भरी है जिंदगी, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। नमस्कार, मैं पूर्वी घोष सामाजिक और सांस्कृतिक कर्मी और इस रेड क्रॉस का मैं पैट्रन मेंबर हूँ। मैं रेड क्रॉस से जुड़े हुए 2005 से अभी तक इस अब हमारा बाप 60 होने के बाद 95 टाइम ब्लड दे चुके हैं। ना अपना अलाउ नहीं है इसके बैच आपको ब्लड डोनेशन लिमिटेशन 65 के बाद दे नहीं सकता है। अब अपने जीवन में मैं आई डोनेशन कर चुका हूँ, किडनी डोनेशन कर चुका हूँ आफ्टर डेथ। युवाओं क्या कहेंगे? हाँ, युवाओं युवाओं को मैं संदेश दे रहा हूँ पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में आने वाला समय 2 चीज़ का कमी आ रहा, ब्लड का और ऑक्सीजन का। क्योंकि इसको अगर हम लोग युवा को आज तक अनुप्रेरित नहीं करेंगे ब्लड देने के लिए ये देश और भारत बचाना मुश्किल है। अभी भी भारत में 60% से ज़्यादा का ब्लड जरूरत है जो अभी तक कमियाँ दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखा जाए जमशेदपुर इज़ द नंबर 1 रेड क्रॉस के लिए
जहाँ पर रेडक्रॉस के लिए कोई आदमी इमरजेंसी ब्लड देने के लिए आता है उसको हम ना नहीं करते हैं। रेडक्रॉस में जुड़े हुए हमको यही चीज़ मिला, सारे लोग जो देख रहे हैं ब्लड का डोनेशन का मोटिवेट होकर ब्लड दे रहे हैं। हमारा नाम डीके घोष, रेडक्रॉस का पेटर्न मेंबर हूँ जमशेदपुर। अभी तक 86 बार दे चुके हैं आज का मिला के। नहीं नहीं, रक्तदान इससे कमजोरी नहीं आता। अगर ये किसी को भ्रम है कि कमजोरी आता तो गलतफहमी है। रक्तदान करते रहने से शरीर में किसी प्रकार का बीमारी आता ही नहीं है। और हम उस समय से रक्तदान कर रहे हैं जिस समय रक्तदान के नाम से लोग डरते थे, 92 से कर रहे हैं, जब मेरा भरा जवानी था उस समय से। और बीच बीच में आंदोलन करना पड़ता, बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं तो कभी कभी टाइम ओवर हो जाता, मैंने 3 महीना से ज़्यादा भी क्रॉस हो जाता, नहीं तो 3 महीना 3.5 महीना के अंदर हम एक बार ज़रूर करते हैं। और हम तो देश के युवाओं से, और जिनकी उम्र 50 माइनस है या 50 है और उनको अभी तक कोई बीमारी नहीं है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर होना, ये सब अगर बीमारी नहीं है ना, तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि वे रक्तदान करें और बीमारियों से मुक्ति पाएँ अपने। उनको ना शुगर का बीमारी होगा, ना ब्लड प्रेशर का बीमारी होगा, ये सब छोटी मोटी बीमारियां है ना, ये नहीं होगा। और सर्दी के अंदर जो खून मोटा होने लगता है वो पतला होकर फिर अपनी जगह आ जाएगा। और सर्दी के अंदर में खून बहुत गर्मी जब आता है तो खून पतला होकर बहुत ज़्यादा प्रेशर करने लगता है, तो उससे भी बीमारी बढ़ता है। तो गर्मी में भी करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, नहीं। आप साल में कम से कम 3 बार जरूर करें, हो सके तो 4 बार करें, लेकिन 3 बार अवश्य करें। इससे 2 चीज़ होगा, युवा भारत और देश में ब्लड का कमी नहीं होगा और आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे। सुभाष कुमार मित्तल, समाज सेवी, जैसे जन सूचना पद कार्यकर्ता, जो संस्थापक हैं जीन हेनरी ड्यूनेंट, उनके जन्म दिन के अवसर पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हर रेड क्रॉस यूनिट कोई ना कोई कार्यक्रम कर रही है जिसमें मैक्सिमम ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित हो रहे हैं। और आज के बाद, चूँकि जमशेदपुर में इस गर्मी में काफ़ी ब्लड का शॉर्टेज भी हो गया है, तो आज से जो हम लोगों ने शुरू किया है ये समझिए पूरे जून महीने तक हम लोग चलाएँगे। और हम लोग का लक्ष्य है कि कम से कम 2000 यूनिट जून तक, ताकि गर्मी में किसी को रक्त की कमी नहीं हो, वो हम लोग कलेक्ट करेंगे।